अगर बात करें इन विलन्स की, तो हमारे हीरोज ही जिम्मेदार है उनको विलन्स बनाने में। ये विलन्स हमें अक्सर याद दिला देते हैं कि इन हीरोज ने ही उनको ऐसा बनाया है। तो ऐसा लगता है कि इन हीरोज ने खुद की गलती के वजह से ही अपना दुश्मन बनाया है। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। अब मिस्टीरियो जो स्पाइडरमैन फार फॉर होम का विलेन है, वो एक कंपनी में काम करता था जो कि टोनी स्टार्क ऑन करते थे, लेकिन उसे फायर कर दिया गया क्योंकि वो उतना स्टेबल नहीं था। फायर होने के बाद वो एक विलन बन गया था और सबको ट्रिक करके ये यकीन दिला दिया था कि वो एक सुपर हीरो है। उसने ऐसा किया था क्योंकि वो आयरन मैन की तरह फेमस और पावरफुल बनना चाहता था। हालांकि वो ऐसा कर पाया था क्योंकि पीटर पार्कर ने उसे एडिट ग्लासेस दे दिया था। एडिट ग्लासेस टोनी ने पीटर को दिया था, जिसमें बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है। तो एक तरह से मिस्टीरियो के विलन बनने के पीछे दोनों स्पाइडरमैन और आयरन मैन का ही हाथ है। It's really nice to have somebody to talk to about superhero stuff, you know? Anytime. इस एनिमेटेड मूवी में मेगामाइंड विलन बन गया था। How did it all come to this, you ask? My end starts at the beginning. क्योंकि उसे लगातार इग्नोर और बुलीड किया गया था सुपर हीरो मेट्रोमैन की तरफ से। मेट्रोमैन को हमेशा से ही लोगों का अटेंशन और तारीफ मिला था, जिसके वजह से मेगा माइंड बहुत ही जेलस हो जाता था। Could this be what I was destined for? A dream life filled with luxury? Apparently not. तो अटेंशन लेने के लिए मेगा माइंड ने डिसाइड किया मेट्रोमैन का दुश्मन बनने का। इस मूवी ने यह दिखाया है कि ये मेट्रोमैन का अहंकार और अटेंशन की भूख थी, जिसने मेगा माइंड को एक विलन बनने के लिए पुश किया था। तो एक तरह से ये मेट्रोमैन का बिहेवियर था जिसके वजह से मेगा माइंड एक विलन बना था। Then it hit me. If I was the bad boy, then I was going to be the baddest boy of them all. इमेजिन करो आपके पास दो बच्चे हैं और आप किसी एक को दूसरे से कहीं ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते हो। तो ऐसा ही हुआ था थॉर और लोकी के साथ। You know, it all makes sense now why you favored Thor all these years. Because no matter how much you claim to love me, you're gonna never have a frost giant sitting on the throne of Asgard. लोकी को असल में थॉर के डैड ऑडिन ने अडॉप्ट किया था, लेकिन उसे ये बात असल में काफी लंबे वक्त से पता नहीं थी। उसे हमेशा से ही ऐसा लगता था कि उसे बहुत ही कम प्यार मिला है अगर कंपेयर करे थॉर से। ऑडिन की बहुत बड़ी गलती थी कि उसने लोकी को सच नहीं बताया और थॉर को इतना ज्यादा फेवर किया। So I am no more than another stolen relic, locked up here until you might have use of me. और जब लोकी को ये सब पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिसके वजह से वो एक विलन बन गया था। फिर वो थॉर की जगह लेकर अपने घर एसगार्ड का राजा बनना चाहता था। तो लोकी का एक विलन बनने का वजह थे ऑडिन, क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों से फेयर नहीं थे। You're the one who showed us the way into Asgard. That was just a bit of fun, really. To ruin my brother's big day. And to protect the realm from his idiotic rule for a while longer. अब आयरन मैन को कौन नहीं जानता, तो उसके वजह से हमें अल्ट्रॉन जैसा विलन देखने को मिला था। This could be it, Bruce. This could be the key to creating Ultron. आयरन मैन ने अल्ट्रॉन नाम का एक सुपर स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था दुनिया की रक्षा करने के लिए, लेकिन चीजें खराब होने लगी जब अल्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गया और डिसाइड किया इंसानों को ही खत्म करने का। अल्ट्रॉन एक तरह से आयरन मैन की पर्सनैलिटी का ही एक ट्विस्टेड वर्जन है, क्योंकि आयरन मैन में एक तरह से अहंकार है और उसे लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। तो ये विलन अल्ट्रॉन, जो आयरन मैन का ही क्रिएशन है, वो उसके ही खिलाफ हो गया था। ये एक लेसन भी है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए जो भी आप बना रहे हो। अगर लेसन की बात करें तो आयरन मैन के एक्टर रॉबर्ट डाउने जूनियर ने इस रिपोर्टर को एक लेसन दे दिया था, जब उसने रॉबर्ट डाउने जूनियर की क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में पूछा था। उस इंटरव्यू में क्या हुआ था जानने के लिए नीचे राइट पर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।